तो दोस्तों हमारी गाड़ी तैयार हो गई है और अब हम निकलेंगे यहाँ से घोड़ा लेके मसीला के लिए। तो यहाँ से आप हमारी गाड़ी देख सकते हैं और यहाँ पर ये घोड़ा खड़ा रहने वाला है। तो आज का वीडियो पूरा देखें ताकि आपको भी समझ में आए। तो दोस्तों अभी हमारे घोड़े लोड हो गए दोनों, ये दोनों अंदर खड़े खड़े मत्ता मारी कर रहे हैं। तो अभी चलते हैं, गाड़ी बैल ओके है, थोड़ा शीशा अच्छे से साफ नहीं हुआ। ऑटोमेटिक गाड़ी है और 8 सिलेंडर की गाड़ी है, बहुत अच्छा ताकत रखती है। अभी हम जाएंगे लगभग 130 किलोमीटर, 130 140 बैठ रहे, 140 किलोमीटर है यहाँ से वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर रेस है, रेस से वापस आएंगे, 140 किलोमीटर वापस आएंगे, ठीक है ना। यही गाड़ी से इतना जल्दी तय करेंगे सफर की पता नहीं चलेगा। क्या आतिशी क्या बोलते हैं? बहुत बढ़िया। लेकिन सर आज रेस में कैसा जाएगा घोड़ा देखेंगे। आज अपना रूम अच्छा दिखना चाहिए, रूम अच्छा दिखना जैसा भागना चाहिए। हाँ टट्टू का तो कुछ नहीं बोल सकते, इंशाल्लाह टट्टू अगर पांचवा चौथा छठा नंबर लेता है तब तक तो हमारी फतेह रहती है। घोड़ा तो सर गेट वाली गप हो गई ना, है? गेट वाली गप हो गई। गेट के अंदर तो अभी गेट खोलना पड़ेगा ना, खुला छोड़ के भाग देंगे क्या है? गेट खुला छोड़ के जाएंगे, चले जाएंगे, कोई कोई बात नहीं, शाम को वापस आएंगे। तो ये हमारा पीछे से गाड़ी इस तरीके से दिखती है, जिम्स है, सुपरा है, भागती तकड़ी है भाई, 180 तक इसको मैंने भगा के देखा हुआ है, बहुत तकड़ी जाती है गाड़ी यार, सही में कसम से। लाजवाब, अगर आप इसका पीछे देखोगे तो यहाँ पर आपको फुल दिखेगी, बहुत सीट है इसके अंदर, पूरा फैमिली का मतलब इन लोगों के फैमिली की गाड़ी है ये, पूरा फैमिली टूर है इसके अंदर, पूरे लोग बैठकर फैमिली टूर पे जा सकते हैं इसके अंदर। लगभग अच्छे कितने लोग आ जाएंगे? लोग लगभग आ जाएंगे 20-25, 20 20 आराम से आ जाएंगे, सीट टू सीट आ जाएंगे 20 आराम से, दो आगे चार, दो नहीं तीन, ये भी सीट है, ये पोर्टेबल है, ये ऐसे खड़ी है। अच्छा है क्या? सीधा रखो कैमरा आते थे ऐसे जाएंगे दोस्तों। अभी ऑन द वे रोड, अभी हम जाएंगे फाइनल रोड पे और वहां पर जाके थोड़ा और आपको क्लियरिटी दिखा देंगे। आज का सफर कैसा रहता है आप भी हमारे साथ बने रहिए, आपको भी पता चल जाएगा कि हमारा सफर कैसा है। थोड़ा कैमरा ऊपर रखो यार ऐसे, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ में। और आज आपको मसीला लेके जाएंगे, इससे आगे हम पढ़ेंगे 80 नंबर रोड, 80 नंबर रोड से जाएंगे 6 नंबर रोड, 80 नंबर रोड जाएगी कुवैत सिटी और 6 नंबर रोड जाएगी सीधी मसीला। 80 नंबर को आगे से छोड़ देंगे और वहाँ से ले लेंगे 6 नंबर रोड सीधा। अरे फुल कोहरा है आज और ज़्यादा आगे दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ी देर आगे कोहरा आ रहा है, थोड़ा रुक रहा है, थोड़ा कोहरा आ रहा है, थोड़ा रुक रहा है। ये रोड पे गाड़ियाँ भी बहुत स्पीड से चलती है, 180-200 इस हिसाब से चलती है, हम 120 से आगे ज़्यादा नहीं चलाते हैं क्योंकि यहाँ पर कोहरा ज़्यादा है और कैमरे का पता नहीं चलता। तो कैमरा आता है एक फोटो भी इंडिया का 30-25 हज़ार का एक फोटो है, इतना महंगा हम फोटो नहीं खिंचवाना चाहते हैं, ठीक है ना। कुछ भी नहीं दिख रहा है, हमने पार्किंग लाइट चालू करनी पड़ेगी, एकदम देखो अंधेरा आ गया, पूरा पूरा अंधेरा आ गया। ये इस प्रकार आता है देखो, इससे आगे गाड़ी आएगी अभी 200 से स्पीड में इसमें गाड़ी आएगी, वो कैसे कंट्रोल करेगा पता नहीं। फुल कोहरा है, बहुत खतरनाक। कभी भी आप कंट्री में ड्राइव करते हैं तो केयरफुली करें। अभी कोहरा एकदम खत्म हो गया, देख सकते हैं पहले कोहरा था, अभी कोहरा खत्म हो गया। तो वापस आ गया कोहरा, देख सकते हैं। मोटी प्रॉब्लम यह है कि हमारे पीछे जो घोड़ों का जो गाड़ी लगा हुआ है उसके इंडिकेटर नहीं है, तो आएगा सौ करके अंदर घुस जाएगा पीछे से। मीडियम लाइन के अंदर मंजिल चल रहे हैं क्योंकि साइड में थोड़े गड्ढे ज़्यादा है, ये रोड टूटी हुई है,
बताते हैं कि हमारे गाड़ी का अलाइनमेंट से दोस्तों खड्डों के अंदर इस वजह से मीडियम में रख रहे हैं। दिखाई तो देना बंद हो गया सर, हमारे को नहीं दिखा रहा कैमरे में, क्या दिखेगा अभी बताओ। ये स्पीड में 200 की स्पीड में गाड़ी आएगी तो क्या दिखेगा मेरे को, पीछे कुछ नहीं देख रहा, पता ही नहीं चल रहा पीछे तो कुछ नहीं, ग्लास है। ये आ गई अभी जलीब, अपन सिटी के अंदर एंटर हो गए, ये जलीब सिटी है ठीक है। यहाँ पर ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा रहता है, हमारे पीछे अर्बन आया तो उसको ब्रेक नहीं है, तो थोड़ा भी ब्रेक टच करते हैं ना वो स्पीड पर गाड़ी को स्किड करता है। पहले तो गाड़ी के हिसाब से गाड़ी को चलाते हैं और पीछे वो लगा हुआ रहता है तो वो ज़्यादा आपको परेशानी करता है। उसके अंदर भी जानवर, अगर जानवर खड़े रहते हैं खुले, बांधे हुए रहते हैं अलग बात है, खुले खड़े रहते हैं ना उन जानवरों का भी ध्यान रखना पड़ता है, एकदम ब्रेक किया तो डायरेक्ट आगे आ जाते हैं, उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए आगे काफ़ी डिस्टेंस रख, कम से कम 100 मीटर या 50 मीटर का डिस्टेंस है चलना चाहिए, क्योंकि कोई पता नहीं अगले वाला कब ब्रेक लगा दे। अपने को कम से कम 50 मीटर चाहिए गाड़ी को रोकने के लिए, कितना भी हार्ड ब्रेक मारोगे तो भी 50 मीटर अपने को चाहिए। इसलिए हम क्या करते हैं पहले से ही अपना डिस्टेंस देख लेते हैं। तो दोस्तों अभी अपन पहुंच गए हैं यहाँ पर रेस कोर्स, और यहाँ से ये मसीला रेस कोर्स पास में ही है। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, तो अगले वीडियो में रेस कोर्स का पूरा व्यू आपको कल देखने को मिल जाएंगे। तो गाइस आई होप आपने एंजॉय किया होगा। और कुवैत के अंदर ड्राइवर है जो घोड़ों की गाड़ी चलाते हैं, वो किस प्रकार चढ़ाते हैं, घोड़ों को कैसे लेके जाते हैं, उसके बारे में पूरा डिटेल में पता चल गया। और आगे रेस कैसे होंगी, आज की रेस कैसी रहेगी, आपको मैं ज़रूर दिखाऊंगा। और यहाँ पर ये देख सकते हैं इस प्रकार हमारी गाड़ी है, और हमारा ड्राइविंग स्किल कैसा है ये भी आप कमेंट में बता सकते हैं। और ये यहाँ पर है वो सेकी नादी बोलते हैं, और यहाँ पर रेसिंग ट्रैक है, तो वहाँ पर जाएंगे और आगे बाद में बात करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।